हेलो एवरीवन, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो बेसिकली ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग जो डिफरेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब में, हम लोग वो देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर हुए थे, हम लोग वो भी इसमें कवर करेंगे। मैं एक चीज पहले बता दूं कि इसमें इस लेक्चर में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतनी ही एक्टिविटीज हुई थी। हम लोग धीरे धीरे जब आगे जब लेक्चर करते जाएंगे तो देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बता दूं, जब हम लोग बेसिकली रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो जब इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज था, दे फॉलोड द फुट स्टेप्स ऑफ रशियन निहिलिस्ट। यहाँ पे एक वर्ड है निहिलिस्ट, इसका एक बार बस हम लोग मीनिंग देखते हैं। बेसिकली निहिलिस्ट जो होता है वो एक फिलोसॉफी है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक जो पर्सन है वो किसी और चीज में बिलीव नहीं करता है अदर देन किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने में। वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानता है, वो और किसी चीज में बिलीव ही नहीं करता है। तो रशियन निहिलिस्ट के फुट स्टेप पर बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में हुए थे। इसी को आयरिश नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। बेसिकली इस मेथोडोलॉजी में जो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन है वो इन्वॉल्व होता है। इसका क्या मतलब है कि मतलब एक कोई इंडिविजुअल है वो जाकर के किसी को मार देता है, या वो किसी पे बॉम्ब फेंक देता है, वो किसी का मर्डर कर देता है। तो ये सारी चीजें इस जो फिलोसफी है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज है, कंडक्टिंग स्वदेशी डकैतीज टू रेज फंड्स फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। अगर मैं आपसे कहूं कि इतने सारी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुए हैं, जो आप सबने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा, तो इंडियंस के पास जो एक कॉमन इंडियन था या जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उनके पास कहाँ से इतने हथियार आते थे? तो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई एक सोर्स तो रहा होगा जहां से वो हथियार इकट्ठा करते होंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें दूसरा हमारे पहला है इंडिविजुअली हीरोइक एक्शन, दूसरा है कंडक्टिंग स्वदेशी डकैतीज। इसका क्या पर्पस था डकैती का? टू रेज फंड फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज विद एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प फ्रॉम इनिमीज ऑफ ब्रिटेन। मतलब वो कहते ना कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो बस यहां पे वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसके साथ मिलकर? जो ब्रिटेन के दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर। ठीक है, चौथा है स्ट्राइक टेरर इन हार्ट्स ऑफ द रूलर्स, अराउज पीपल एंड रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम देयर माइंड्स। तो बेसिकली इसमें ये है कि जो रूलर है, जो शासक है, यहाँ पे जब हम लोग रूलर कह रहे हैं बेसिकली हम लोग ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में एक टेरर फैलाओ। ठीक है, और जो लोकल पीपल हैं उनके दिमाग से डर को निकालना है। ये सारी चीजें जो हमारे बेसिक रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम था उसमें इन्वॉल्व था। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताए हैं कि बंगाल जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसेंटर था पूरे रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम के लिए। तो बंगाल की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप हुआ वो था 1902 में ऑर्गेनाइज हुआ इन मिडनापुर। मिडनापुर बेसिकली एक जगह है अंडर जनेंद्रनाथ बसु एंड इन कलकत्ता, अनुशीलन समिति फाउंडेड बाय प्रमोथा मित्तर। मैं यहाँ एक चीज बता दूं, इस पूरे लेक्चर में जहां जहां मैंने ये जो हाईलाइट कर रखे इन पॉइंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे। ठीक है, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1902 में जो मिडनापुर में ऑर्गेनाइज हुआ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप वो किसके अंडर हुआ था, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है कि जो रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करा था। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, दिल्ली एंड यूनाइटेड प्रोविंस में। ठीक है, बेसिकली जब यहाँ पर हम लोग कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी, मतलब वो एक तरीके से अंडरग्राउंड होकर के काम करता है। ठीक है, और वैसे भी पूरे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में हम लोग आगे भी देखेंगे कि रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन लोगों ने प्ले करा है। उसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है 1908 का,
जब प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस थ्री व बॉम्ब अटैक कैरेज सपोज टू बी कैरिंग अ पर्टिकुलर सैडिस्टिक वाइट जज किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। एक्चुअली क्या था कि ये जो प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस थे ये मुजफ्फरपुर गए और इनका जो टारगेट था वो था किंग्सफोर्ड को मारना, ठीक है। इन दोनों ने बॉम्ब भी फेंका था लेकिन गलती से ऐसा हुआ कि किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में बैठा हुआ ही नहीं था, तो दो लेडीज का डेथ होता है जिसमें कहा जाता है कि एक किंग्सफोर्ड की वाइफ थी, दूसरी जो थी वो किंग्सफोर्ड की बेटी थी। तो इन दोनों का डेथ हो जाता है इस में जब बॉम्ब फेंका जाता है तो, और बाद में इसी में जो खुदीराम बोस है उनको फांसी दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी खुद को उस समय गोली मार लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद 1908 में एक 12 डकैती होता है, ये बहुत फेमस डकैती था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर पुलिन दास, ठीक है। इनका भी काम क्या था, टू रेस फंड फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिमर मैन प्लान। तो बेसिकली अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि जिमर मैन प्लान किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये बेसिकली जर्मनी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता था जिमर मैन प्लान में कि जो नेशनलिस्ट थे, जो रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो जर्मनी से इंडिया क्या भेजेंगे, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होंगे ना वो जर्मनी से इंडिया में भेजेंगे ताकि यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज सही ढंग से हो सके, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग दो चीजें यहाँ पर देखेंगे। एक है यहाँ पर खुदीराम बोस, ठीक है, जिनको इंडिया का यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, और दूसरी जो यहाँ है इनका नाम है बीना दास, ठीक है। बेसिकली जब खुदीराम बोस का हम लोग बात करते हैं तो ये जब इनकी फांसी हुई तब ये सिर्फ 18 साल के थे, ठीक है। आज 18 साल की उम्र में बच्चे बस वो लूडो और पबजी खेलते हैं, जहां वहां एक शख्स जिसकी उम्र 18 साल है वो जाकर के बॉम्ब फेंकता है, किसके ऊपर, वो भी किसी जज के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक टेरर फैलाना है अंग्रेजों के मन में, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग खुदीराम बोस के बारे में बात करें तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब वो जो जज होता है जो इनको सजा सुना रहा होता है तो वो बेसिकली अपने भाषा में सजा सुनाता है, और इनको मुजफ्फरपुर जो अभी प्रेजेंट डे बिहार में है तो वहीं इनको सजा सुना, वहां का जो सेशन कोर्ट था उसमें इनको सजा सुनाई जा रही थी। तो इसमें ये हुआ कि जो जज था वो जब अपना पूरा वर्डिक्ट पढ़ लेता है उसके बाद ये पूछता है खुदीराम बोस से कि क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला। खुदीराम बोस कहते कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया क्या बोला आपने, उसके साथ साथ अगर आप कहें तो मैं आपको बॉम्ब बनाना भी सिखा सकता हूं इसी कोर्ट में, और आप जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा में। ये बात इन्होंने वहां के जज को बोली थी, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत फेमस इंसिडेंट है एक। दूसरा यहां पर मैंने अभी बात किया बीना दास का, ठीक है। तो बीना दास जो इनका जब जिक्र आता है जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक जो गवर्नर थे वहां के बंगाल के, तो वो जब इनको बेसिकली डिग्री देते हैं, ठीक है, जैसे ही ये गवर्नर बीना दास को डिग्री देते हैं तो बीना दास ने भी बदले में कुछ दिया, और वो था 5 गोलियां गवर्नर के सिर में, ठीक है। तो बीना दास को ये जब डिग्री देने वाले थे तो उस समय इन्होंने इनको गोली मारी थी। एक्चुअली बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे जब महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था रामोसी पीजेंट फोर्स, जिसको ऑर्गेनाइज किया था वसुदेव बलवंत फटके ने, कब, 1879 में। ये यहाँ पे थोड़ा सा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इनका थोड़ा अलग था टारगेट। ये बेसिकली क्या करते थे, जो कम्युनिकेशन लाइन है ना, जो कम्युनिकेशन लाइन है ये उसको डिस्टर्ब करते थे। कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो ये जो रामोसी पीजेंट फोर्स है ये इसीलिए फेमस है फॉर डिस्टर्बिंग द कम्युनिकेशंस लाइन। उसके बाद आता है तिलक का जिक्र। जब हम लोग तिलक का जिक्र करते हैं तो ऑब्वियसली एक मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो, ठीक है। इन यहां पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ इनका ये दो चीज बस याद रखना है, बाकी चीजें हम लोग अभी आगे फिर से देखेंगे कि या हम लोगों ने देखा भी है कि किस तरीके से गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज करते थे ताकि जो हिंदू हैं वो एक हो और ये सब चीजें।
लेकिन यहां पर ये दोनों जर्नल जो केसरी एंड महारत्ता है, ये दोनों जर्नल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? तिलक का। उसके बाद सावरकर जो है वो क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? मित्र मेला, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो एक 1904 में अभिनव भारत के साथ मिल जाता है। तो महाराष्ट्र में क्या क्या है देखना है हमको अभी? एक रामोसी पीजेंट फोर्स बाई वसुदेव बलवंत फटके, इनका क्या काम था? डिसरप्टिंग द कम्युनिकेशन लाइन। दूसरा तिलक, इसमें इंपॉर्टेंट है इनके ये दोनों जर्नल, केसरी एंड महारत्ता। जो तीसरा है यहाँ पे वो है हमारा सावरकर का मित्र मेला, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी था, जो अभिनव भारत के साथ कब मिलता है? 1904 में। उसके बाद हम लोग बात करें पंजाब में, तो पंजाब में बेसिकली थोड़े हालात अलग थे, क्योंकि पंजाब में क्या हुआ कि 1900 के आसपास काफी ज्यादा वहां पे फेमेंस जो है वो आता है। उसके साथ साथ जो लैंड रिवेन्यू है वो बढ़ा दिए जाते हैं, इरिगेशन टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ बेगार बाय द जमींदार, ठीक है, मतलब फ्री में आकर के काम करो, कुछ ऐसे हालत पंजाब में हो गए थे। तो उसी समय जिनका सबसे पहले जिक्र आता है वो है लाला लाजपत राय। तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, पंजाबी एंड द पीपल। सी, मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि ये जो न्यूज़पेपर है, जर्नल है, ये आर्टिकल्स हैं, ये इनका बेसिकली मकसद क्या होता था? अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, इसीलिए इतने सारे जर्नल्स और इतने सारे न्यूज़पेपर ये सब आते थे। उसके बाद इसमें है अजीत सिंह, जो भगत सिंह के अंकल थे, उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज करा था, अंजुमान ए मोहिसबान ए वतनी लाहौर विद इट्स जर्नल भारत माता। ये जर्नल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जर्नल 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अभी पंजाब में हम लोगों को इतना ही देखना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो कुछ लेक्चर्स होंगे, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा उसमें हम लोग बाकी एक्टिविटीज भी देखेंगे। इसके बाद जब हम लोग बात करें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड की, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। इन्होंने एक इंडिया हाउस स्टार्ट किया था, कहां पर? लंदन में। देखो एग्जाम पर्पस से ना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से ऐसे, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कहाँ और किस जगह पर ऑर्गेनाइज किए गए थे और किसने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पर है श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में क्या स्टार्ट करा था? इंडिया हाउस, जो कि क्या था? एक इंडियन होम रूल, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली बनाया गया था फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, अ स्कॉलरशिप स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया, मतलब यहां पर उनको बुलाओ लंदन में, उनको सिखाओ और फिर वो जाकर के अपनी एक्टिविटी को वहां पर अंजाम देंगे, ठीक है। इनका एक जो जर्नल था वो था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो जो जो इंपॉर्टेंट जर्नल्स मैंने इनमें इसमें बताए हैं, वो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कहीं एक जगह पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सबसे फेमस गदर पार्टी। तो गदर के नाम से एक न्यूज़पेपर भी था, गदर जो एक थी वो एक पार्टी भी थी, एस्टेब्लिश्ड इन 1913। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा जो सिस्टम था वो अलग था, इनका था टू कैरी आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, और इन्होंने एक स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में और एक यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। ये दो चीज याद रखना है अपने को, स्वदेश सेवक होम कहां? वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस कहां? सिएटल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे तो जो गदर प्रोग्राम था, दैट वाज टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मार डालो, इनका कुछ ऐसा सिस्टम था। एंड पब्लिश रिवॉल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर, वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स स्टेशन अब्रॉड। अब जो इंडियन ट्रूप्स बाहर में हैं, या फिर अगर कहीं अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं कहीं पर, तो उनके साथ मिलके काम करो, प्रोक्योर आर्म्स एंड ब्रिंग आउट अ सिमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि इनके जो प्लान थे वो किस चीज से, किस इवेंट से इंस्पायर थे? जो 1914 में दो इवेंट हुए उससे सबसे ज्यादा इन जो गदर प्रोग्राम था ये इंस्पायर हुआ था। पहला था कुमगता मारू इंसिडेंट, दूसरा था आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये तो खैर सबको समझ में आएगा, ये बहुत सीधा है कि यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ
और इनको ये लगा कि अब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अभी बैकफुट पे हैं, तो हम इनका फायदा उठा लेंगे। ये इसमें बस यही है। दूसरा एक बहुत मजेदार इंसिडेंट हुआ था कोमगता मारो इंसिडेंट का। बेसिकली कोमगता जो था वो ना एक शिप था, ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो शिप है ना, ये 370 पैसेंजर को लेकर के कहां जाता है, सिंगापुर से ये जाता है वैंकूवर, ठीक है। ये जाता है सिंगापुर से वैंकूवर जो है कनाडा में, मतलब सिंगापुर से कनाडा जाता है ये सिर्फ 370 लोगों को लेकर के, और जाने में इनको टाइम लगता है 2 मंथ, या इवन इससे भी थोड़ा सा ज्यादा, बट जनरली 2 मंथ कहा जाता है कि 2 मंथ का टाइम लगा था। अब सबसे मजेदार बात ये हुई कि 2 महीने लगा करके ये पहुंचते हैं कनाडा, और जब कनाडा में जब उतरने की बात होती है तो वहां की गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 370 लोगों को ले जा रहा सिप, जो 2 महीने तक ट्रेवल करा है, और वहां जाकर के पता चलता नहीं आप आ ही नहीं सकते हैं, फिर से ये वापस इंडिया आते हैं। मतलब इनको आने और जाने में कहा जाता है कम से कम 5 या 5 से 6 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। तो ये एक रीजन था, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत गुस्सा था वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या था कि गदर पार्टी जो थी वो कुछ मतलब ज्यादा ही फेमस हो रही थी, तो इसलिए गवर्नमेंट डिप्रेशन तो जरूरी ही था। तो गवर्नमेंट ने फिर से एक लाया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, कब, मार्च 1915 में, काम किया था टू स्मैश द गदर मूवमेंट। ये फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने का पर्पस क्या था, ये पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट आया था टू स्मैश द गदर मूवमेंट, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट है हमारा, जो बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस था, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1915 बाय, ये 3 लोग हैं इसमें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स अंडर अंडर जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान क्या था ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इस अभी जो मैंने ये वीडियो अभी बनाया, अभी जो आप लोगों को बताया, इसमें जो हाईलाइटेड चीजें हैं आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो फिर आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करें, क्योंकि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।